तो ये बात है तब की जब मैं फिफ्थ क्लास में था। मैं गांव में पढ़ता था जिसका नाम है काचना, जो कि प्रकृति की सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके एक ओर नदी तो दूसरी ओर पहाड़ है और इन दोनों के बीच में पेड़ पौधों से भरा हुआ मेरा गांव। मेरा स्कूल 10 बजे शुरू होता था एंड मैं रोज टाइम पे स्कूल जाया करता था। स्कूल शाम के 4 बजे तक खत्म हो जाता था और इस बीच में हमको 12 से लेकर के 3 बजे तक खेलने का समय दिया जाता था और इस टाइम में मैं मेरे दोस्तों के साथ में गिल्ली डंडा, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी एंड लुका छुपी। वेट वेट, लुका छुपी कहीं मैं ना ना, तब तो मैं चूतिया हुआ करता था। तो हम लोग ये सब कुछ खेला करते थे। मेरे फादर गुजरात में जॉब किया करते थे। फिर एक दिन मेरे फादर कुछ दिनों के लिए वापस आए। वो मेरे लिए PS1 खरीद के लाए थे और ये मैं देख करके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मैं रोज स्कूल से जाने के बाद उस पे रात तक गेम खेला करता था और क्योंकि PS1 के गेमों में गेम को सेव करना पॉसिबल नहीं था तो मुझे हर बार लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ता था और मैं बार बार सेम स्टेज को पार करके इतना अच्छा हो गया था कि मुझे गेम की हर स्टेप में हर चीज की एक एक प्रोसेस याद हो गई थी कि अब आगे क्या आएगा। और उस समय मैं मारियो, स्पाइडरमैन 3, मारियो 3 और उस समय एक गेम जिसमें कि OTG USB गन लेकर के मैं स्क्रीन पे प्लेट्स फोड़ा करता था, जिसका मुझे ढंग से नाम याद नहीं है, इन गेम्स को खेला करता था और ये गेम्स मेरे फेवरेट हुआ करते थे। और उसके बाद से मैं जब भी स्कूल जाता, मैं स्कूल से बंक मारने की प्लानिंग किया करता था और मेरी प्लानिंग सर दर्द की इस लेजेंडरी एक्टिंग से शुरू होती थी। पहले मैं अपने दोस्तों के सामने करता था, फिर अपने सर के सामने और फिर घर पहुंचने पर, और कभी कभी मुझे डॉक्टर के सामने भी एक्टिंग करनी पड़ती थी। और मैं घर पहुंचने पर अपने लेजेंडरी रोल में कुछ ज्यादा ही घुस जाता था और उस रोल से निकलने में मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते थे। और फिर मैं देखता था कि कोई है तो नहीं मेरे आसपास। अगर कोई होता तो मैं उसको बोलता कि अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और फिर कुछ इधर उधर के काम करने के बाद मैं वापस से गेम खेलने बैठ जाता था। मेरी एक्टिंग इतनी लेजेंडरी थी कि मैं स्टार किड से भी अच्छी एक्टिंग करता था। मैं हर चीज को प्लानिंग के साथ करता था, सब कुछ प्लानिंग के साथ चलता था। कभी कभी मैं 3 से 4 दिन के बीच में सिर दर्द वाला बहाना नहीं बनाता था, कभी कभी मैं 2 दिन लगातार तक बनाता था और कई बार तो वीक्स तक ऐसे बहाने नहीं बनाता था ताकि किसी को शक ना हो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करता था कि मेरी फैमिली, टीचर, फ्रेंड्स, एल्सो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरी एक्टिंग देखो, वैसे तो यार मैं करियर में या तो डिटेक्टिव या फिर एक एक्टर बन सकता था, पर मैं बना क्या, यूट्यूबर। तुम देख रहे हो मेरे सपने कहाँ थे और अब कहाँ है, मेरा डाउनफॉल देख रहे हो। तो ये सब तो थी मेरे बचपन की बात। आई होप तुम लोगों को नॉस्टेल्जिया का 3rd पार्ट पसंद आया होगा। ये सीरीज के 7 एपिसोड और बाकी है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी भी, और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है कि आपके चाइल्डहुड की कुछ ऐसी स्पेशल मेमोरीज को मैं रेकमेंड करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा उनको, और हो सकता है कि वो मेरे को अगले वीडियो का आइडिया भी दे दे। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन चूतिया फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप कभी रेत में खेला करते थे।